हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिमालयन ऑरा। मेरा नाम है शिवानी और मैं हूँ उत्तराखंड से। तो आज का ब्लॉग होने वाला है पार्ट टू, जो मैंने ऑलरेडी अभी से पहले जो ब्लॉग डाला था उसका, उसमें मैंने आपको लंगासू का टूर करवाया था छोटा सा। तो पार्ट वन में मैंने आपको लंगासू का खेत वगैरह दिखाया था, चंडिका माता का मंदिर दिखाया था। और अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं आपको उसके आगे का ब्लॉग दिखाऊंगी जिसमें मैं नौला गाँव गई थी और हम क्यों गए थे वहाँ पे, आप वो सब चीजें देखेंगे। गाइस, वन लास्ट थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और इस फेस को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग हैं नौला गांव के मेन मार्केट में और अब हमें यहां से ऊपर जाना है गांव के लिए। यहां गांव का नाम क्या है? रास्ता भी खराब। बारिश की वजह से आजकल सब जगह पानी पानी है। और तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। वैसे तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं है गांव रोड से, पास में ही है। तो यहाँ से अब सारे घर स्टार्ट हो गए हैं। तो आंटी जब भी मीटिंग में आती हैं तो उनका हर बार अलग अलग टॉपिक होता है, जैसे नशा मुक्ति का हो गया, प्लास्टिक बैन और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स उनको मिलते हैं। इस बार का टॉपिक था वृद्ध लोगों को अवेयर करवाना, उनकी पेंशन हो गया और भी जितने भी उनके अधिकार हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब के बारे में अवेयर करवाना। तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत पुराने घर दिख रहे हैं जो कि उतने भी पुराने नहीं हैं, बट हाँ थोड़े बहुत हैं, पर ऑलमोस्ट यहाँ पे सब पक्के मकान ही बन चुके हैं। तो ये था नौला गांव। तो बुड्ढी आंटी का
काम है जो कि बोर्ड के थ्रू है, और यहाँ पे वो अवेयरनेस के लिए गांव-गांव जाती हैं, और जितना भी जैसे नशा मुक्ति केंद्र है या कोई वृद्ध जो लोग हैं अगर वो गांव में अकेली रहते हैं तो उनकी पेंशन वगैरह उन सब के बारे में अवेयर कराने का उनका काम होता है। तो मंथ में वो काफ़ी सारे अलग अलग गांव जाती हैं, तो इस बार मैं भी उनके साथ आई। और यहाँ पे अभी आपने इससे पहले देखा वो पूरा जितना भी है उन लोगों को समझा रही थी, और या दैट्स इट। और आगे मैं आपको गाँव का व्यू दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरा सारा प्रणाम। मेरा नाम है बुद्धि गढ़वाल और मैं आई हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपेश्वर चमोली से। यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण है ये, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये मतलब इसको न्याय भवन है। जैसे आप लोग समझेंगे ना कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या हुआ, न्याय भवन यानी कि न्याय विभाग से सीधे सीधे कोर्ट से क्या। तो हम उसके अंतर्गत एक पीएलवी है, पैरालीगल वॉलेंटियर, और हमारा काम यही होता है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाके या नजदीकी क्षेत्रों में जाके या गांव में जाके स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो घर घर हो चाहे वो एक जगह पे कैंप लगा के हो। तो स्कूलों में जाते हैं हम लोग, उससे संबंधित अभी बोलते हैं जैसे साइबर क्राइम हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, और गाँव में जाके हम लोगों को साइबर पे भी बोलते हैं जैसे अननोन नंबर आते हैं, ऐसे कॉल आते हैं लोगों की, जैसे अननोन नंबर आते हैं उनको कभी उठाना नहीं, रिसीव नहीं करना, और जैसे महिलाओं के अधिकार हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, और वरिष्ठ जनों की, हमारा जो इस महीने का मेन टॉपिक है वो है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार या भरण पोषण, और विकलांग पे है और साइबर क्राइम। विकलांग यानी कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, विकलांग हैं, चाहे विकलांग हो या चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनके लिए सरकार द्वारा जो पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है, तो वो व्यवस्था मतलब उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, किसी की पेंशन है या नहीं, यहाँ की घर हुआ है कोई विकलांग जैसे बच्चे हैं या बुढ़े हैं या अत्याचार होता है, जैसे महिलाओं के अधिकार हो गए तो उन अधिकारों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, कैसे, जैसे हम लोग समाज में यहाँ जैसे आप लोगों ने बोला यहाँ पर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है ना, घरेलू हिंसा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे सासू हो गई, बहू हो गए, ससुर हो गया, परिवार की हो गई, पड़ोसी हो गई, तो आप लोग हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम विधिक सेवा प्राधिकरण से हैं, तो हम यहाँ एप्लीकेशन ले जाते हैं और वहाँ शिकायत दर्ज करते हैं कि उस हमारा गाँव में ऐसा सा मामला था, हमने वहीं पर जाके चौपाल लगा के सुलझाया, अगर सुलझाया नहीं तो आप लोग कहेंगे नहीं मुझे तो इस पे इसकी कंप्लेन करनी है, इसको केस करना है, करके उसका मामला तक हम वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ तक ले जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसा आप कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है जो भी बोल सकते हैं कि ये देखो इसने मुझे ऐसा क्या है तो इसका क्या समाधान है, तो हम दोनों पक्षों को वहाँ पर बैठा क्या करते हैं, उनकी आपस से मदद से करते हैं, सलाह करते हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा न हो कि आपको क्या रोज आ रखे दरवाजे न खड़ा है।
ना पढ़े बोले थे तो अच्छा लगता है, रोज कोर्ट केस हो रहा है, रोज तारीखों पर जा रहे हैं, मैंने से अलग से खर्च, अगर किसी का ऐसा हो भी गया ना तो सरकारी हमारे जिला में हिसाब प्राधिकरण उनके लिए सरकारी वकील भी निःशुल्क देते हैं, मतलब जिनका ऐसा कुछ मामला चल रहा है ना, जमीन जायदाद से संबंधित हो गया है कुछ भी की, जैसे पैसों का लेन देन हो गया है तो उसके लिए लोग अदालतें लगती हैं टाइम टाइम पर, तो पिछले दो छह महीने में लगती है लोक अदालत, और वहाँ पर या तो आप लोग अपने खुली बैठकों में हो सकते हैं या तो आप लोग अदालत के जरिए वो मामले क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को लगे कि हमारा किसी के साथ जमीन का लफड़ा है तो हमको ये सुलझाना है, या हमारा बगल पड़ोसी के साथ लड़ाई है ये सुलझाना है, या पैसों का लेन देन है कुछ भी है कि, तो लोक अदालतों के जरिए आप लोग उन मामलों का निःशुल्क निपटारा कर सकते हैं। इस एरिया में मीटिंग के बाद अब हम लोग दूसरे एरिया में जा रहे हैं, वो सेम गांव में ही है बट थोड़ा डिफरेंट एरिया है जो आगे साइड को पड़ता है, तो अब हम वहां के लिए जा रहे हैं। मंथ में आंटी की टोटल 15 मीटिंग्स होती हैं और 15 टाइम्स उनको बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके मीटिंग करनी होती है, कभी स्कूल्स में, कभी कैंप लगा के, कभी गांव। तो जब वो किसी गांव में जाती हैं पर्टिकुलर गांव में, तो उस गांव का पूरा एरिया कवर करना होता है। तो हमें यहाँ पे पहुँच के पता चला कि यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, हमने सुना तो था बट हमें पता नहीं था कभी यहाँ पे ये मंदिर है, हमें लगा किसी दूर गांव में ये मंदिर होगा, पर आंटी को भी पहली बार ही पता चला। तो हमने सोचा कि हम जाते समय यहाँ पे मंदिर के दर्शन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आंटी अपनी मीटिंग कम्प्लीट कर रही थी। तो आज आंटी के वजह से शीतला माता मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिला, तो अभी हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। मंदिर तो बंद है अभी, मंदिर आने के लिए हमारा सही टाइम नहीं था, हम बहुत लेट हो चुके थे, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और अभी मंदिर बंद है, तो शायद मैं यहाँ पे दिन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग में ही खुले होते हैं, तो कोई नहीं, अभी हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं और हमें पता चल गया है कि ये मंदिर यहाँ पे है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा चंडिका मंदिर का भी दर्शन नहीं हुआ है और यहाँ पे भी नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से यहाँ ज़रूर आऊँगी दर्शन करने के लिए। तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं, आंटी की एक लास्ट मीटिंग और रह गई है, आंटी अभी बस वो ही रह गई है पीछे, और इसके बाद हम घर को निकलेंगे। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और आपने ये गांव पूरा देखा होगा कि कितना सुंदर गांव है यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसे ही मैं आपको और भी कई सारी जगह दिखाते रहूँगी जब भी मैं कहीं जाऊँगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो कि हमारे चमोली कोर्ट ने ये निकाला है अवेयरनेस कैंपिंग, तो इस कैंपेन में उन्होंने काफ़ी सारे वॉलंटियर हायर किए हैं, जैसे आंटी भी वॉलंटियर ही है, तो सारे वॉलंटियर्स को अपना अपना एरिया मिला है और वो हर बार जाके मीटिंग करते हैं, अवेयर करवाते हैं, और इसमें उन्हें कई सारे प्रोग्राम्स भी करने होते हैं जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया और कैंप लगाने होते हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और इसमें मैंने देखा वॉलंटियर्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आंटी को देखा है वो मीटिंग के बाद भी काफ़ी लोगों की हेल्प करती हैं, क्योंकि लोगों ने कांटेक्ट करते हैं, मीटिंग से रिलेटेड पूछते हैं, और जो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको आंटी सॉल्व करती है, जैसे कोई भी अगर उनका इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, केस है, तो उसको आगे जितना भी इनसे सॉल्व होता है उन सब चीज़ों को सॉल्व करती हैं। दैट्स इट आज के लिए, बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ओके बाय।